हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन धारा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पीएफ बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है इसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों, पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपका यूएन नंबर, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है बैंक खाते का, वो सक्रिय होना आवश्यक है। और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 डिजिट का यूनिक अकाउंट नंबर होता है जो रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड संस्थान के माध्यम से जारी किया जाता है। और इसके लिए आप ऑनलाइन, यदि आपका यूएन नंबर जो है सक्रिय नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट करने के लिए गूगल वेब ब्राउजर पर यूएन नंबर एक्टिवेशन पोर्टल लिख कर करेंगे सर्च, तो इस पर आज ये आएगा यूएन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट यूएन यूएएन इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये फॉर्म भरना होगा आपको। इसमें अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यूएन नंबर लिख कर कैप्चा कोड लिख करके ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना होगा और गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है उस पर पिन का ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी लिखने के बाद आपको जो एक्टिवेट यूएन विकल्प पर क्लिक करना होगा। और यूएन पर क्लिक एक्टिवेट होने के बाद आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वेब पोर्टल पर जाना होगा तो यह है ऑनलाइन बैलेंस चेक करने के लिए। तो इसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख कर सर्च पर क्लिक करेंगे और epfindia.government.in इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद जो है ई पासबुक इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा पेज। यहाँ पर यूएएन नंबर और पासवर्ड लिख कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो ईपीएफ या पीएफ बैलेंस जो है ऑनलाइन अपना चेक कर सकेंगे। यूएएन अकाउंट का पासबुक आप चेक कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल जीवन धारा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।